श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन धरा पर पांच दिवसीय रायपुर छत्तीसगढ़ की पुण्यमय धरा में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान मां महिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ प्रदेश से, कथा मंडप में ही विराजमान महिला विकास मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री आदरणीय संत देव महाराज एवं सभी विधायक सांसद आदि आदि जो भी इस कथा मंडप में विराजमान है, संत साधु ब्राह्मण जन गुरु जन, कथा के मुख्य यजमान श्री बसंत जी अग्रवाल एवं उनका पूर्ण परिवार इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। धन्य है श्री बसंत जी अग्रवाल, उनके माता पिता, उनके भाई और उनका पूरा परिवार जिन्होंने रायपुर में यह पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का और उस छोटे से जीवन में भगवान की अभिरंधनी को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पहले भी कथा में कहा कि ये मानव की देह दो कारणों से प्राप्त होती है, एक भगवत स्मरण करने के लिए, दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने। आपने जो पूर्व में साउंड वाले कहां बैठे हैं, पीछे का माइक चल रहा है, इधर साइड के पूरे माइक चालू कर दीजिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए पीछे के पंडाल में। कैलाश अविनाशी
भगवान शिव जिनकी पुनीत शिव महापुराण की कथा पांच दिवसीय श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा से